खबर और आज हम आप सबको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसा खास। अपना नया ब्लॉग में आपको सभी कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं ब्रिज को, हाउ डू वी बिल्ड द ब्रिज, सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड वॉच द वीडियो। अभी ऑफिस का भी काम हो गया, अभी जाने वाले। और यहाँ पे सीमेंट लोडिंग हो रहा है गाड़ी पे। सीमेंट जाएगा, तेल जाएगा, HSD डीजल जाएगा और स्टोन जाएगा। उसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके कॉन्क्रीट बनेगा। तो कैंप से ब्रिज में जाने के लिए करीब 20-25 मिनट्स लगता है। जैसे कि अभी हम लोग जा रहे हैं, कैंप से निकल के 2 किलोमीटर आगे भी आ चुके हैं। तो कैंप से ब्रिज का डिस्टेंस है करीब 10 किलोमीटर के जैसे। तो 10 किलोमीटर तय करके हम लोग पहुँचेंगे ब्रिज पे और देखेंगे कि ब्रिज का गर्डर डलाई कैसे होता है। स्पेशल की चॉइस है रे, स्पेशल की चॉइस है क्या भाई? सी बेटा उन्होंने गुरा गुरी हो रहे मांस मांग जो भैया रेडी कौन बेटा बात कही तो भाई खाने की तो दी नहीं खुलो ना देखी ना जल्दी खुलो देखी ले प्लेट कब तो सुंदर बेटे खानी मगर खानी मगर हो तुम देन खानी वाला खाओ नहीं डेली वाला खाओ नहीं हमारा गरीब मनुष्य टेका पैसा ना ही तुम्हें ना खाओ तुम्हें तो इन्हें बाप रिजर्व बाबू रे टीमों को दीजिए अरे बात दीजिए ब्रेड पार्टी चलो आर पार खा ली ना भी खाई है चलो मन लगी प्लेट बढ़िया खा रहे माय मानुष कुछ मुंडियर बात का इतने रख रहे हैं डाइन वाला सवाल नहीं ओ लो एक बड़े दिखाते बड़े बात लो इसी ताला अपना नहीं भूल गया ओ सब दिल यार ये दिल यो ओ या यार कितना लगे बोल रहे फोटो यूं दूर ही भड़ी 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 रहा भड़ी साहोरे बाहुबली और एकटा है ब्रिज जिसका बीच वाला गर्डर कट डले हो चुका है। अभी राइट साइड वाला हो रहा है और ये है वाइब्रेटर मशीन जिसको स्टार्ट करके अभी वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे। उधर दोनों प्लाई के बीच में जो सीमेंट स्टोन जो कॉन्क्रीट होता है इसके बाद हम लोग ऐसे वाइब्रेशन करते हैं ताकि वो सीमेंट कॉन्क्रीट बढ़िया से इधर बैठे। दिल ये दीवाना जो फिर रस में खाई थी